हेलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर थ्री रिलीजियस सिंथेसिस तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमारे कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं बहुत डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस में साथ ही साथ रिलीजन्स में भी बहुत डाइवर्सिटी है बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स होते हैं कंसिडरिंग दिस फीचर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडोप्टिड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म और इस फीचर को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है ऑफ सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जहाँ पे हर रिलीजन एक्सेप्टेड है कंट्री को और हमारी कंट्री का कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है मतलब किसी भी रिलीजन के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सब अपने अपने लॉज फॉलो कर सकते हैं लॉज इन द सेंस रिलीजस लॉज फॉर रिलीजन परपज़िज ओनली नॉट फॉर सोशल परपजिज और एनी अदर थिंगस तो सब अपने अपने रिलीजियस लॉज बना के फॉलो कर सकते हैं मैरिज़ में एंड अदर थिंग्स में इन मीडिएवल इंडिया टू अटेम्प टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस सिंथेसिस इन सोशल लाइफ व मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल और मीडिएवल इंडिया में भी ऐसा हुआ था कि सोश कि रिलीजियस सिंथेसिस मतलब सेक्युलरिज्म लाने की बहुत कोशिश की गई थी सोशल लाइफ ऑफ पीपल में एमोंग दीज एफर्ट्स द भगती मूवमेंट सिकिज़म एंड द सूफी सेक्ट है सिग्निफिकेंट प्लेस और ये जो रिलीजस सेंथिस लाने वाला मूवमेंट था इसमें भक्ती मूवमेंट सिखिजम सूफी सेक्शन इन सब का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है दीज डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ थाट्स अरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया दे हारमोनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट्स एंड रिलीजन्स अलॉन्ग विद डिशन टू गॉड विटडी दैम इन दिस चैप्टर तो ये जो अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स थे जैसे भक्ति मूवमेंट उनकी थिंकिंग कुछ और थी वो कोई और रिलीजन फॉलो करते थे सिख वाले वालों की थिंकिंग कुछ और थी गॉड कोई और थे कुछ और रिलीजन फॉलो करते थे तो ऐसे अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ थाट अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में अराइज़ करने लगे और इनका मोटिव था कि सारे रिलीजन्स में हारमोनी लाएँ सारे रिलीजन्स में और ये सारे सेक्शंस कोशिश करते थे कि अलग अलग जो रिलीजन्क्शंस हैं है, इन सब में हारमोनी आए सब साथ में अपने गॉड की तरफ डिवोटेड हों और कोई किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करे। इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं इनिशियली रिचुअल्स एंड ब्रह्मध्यान वर ग्रेटली इम्फेसिस्ड इन द इंडियन रिलीजियस लाइफ इन द मिडियबल पीरियड दे गिव वे टू भक्ति मार्ग द पाथ ऑफ डिवोशन भक्ति मार्ग डि नॉट गिव अम्पोर्टेंस टू हायर की जब अलग अलग रिलीजन स्टार्ट हुए थे तब ऐसा होता था कि हर रिलीजन में रिचुअल्स एंड ब्रह्माध्यान इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जाती थी लेकिन मिडीवल पीरियड में ये चीज़ें चेंज हुई मिडीवल पीरियड में ऐसा होने लगा कि भक्ति मार्ग पे ज्यादा इम्फेसिस किया गया द पाथ ऑफ डिवोशन जो भक्ति मार्ग था वो हायरकी को इम्पोर्टेंस नहीं देता था और इसी कारण से लोगों के बीच रिलीजियस सिंथेसिस आने लगा इन द डिफरेंट रीजंस ऑफ इंडिया वी फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पाथ ऑफ डिवोशन अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन देयर द भक्ति मूवमेंट यूज द कॉमन पीपल्स लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस हमने देखा है कि इंडिया के जो अलग अलग रीजन्स है वहाँ पे अलग अलग वेज हैं जिस हिसाब से लोग अप, अपने भगवान को मानते हैं अपने भगवान को डिवोटेड हैं भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ था कि कॉमन पीपल का जो लैंग्वेज था उसे यूज करने के बजाय संस्कृत का यूज किया गया था सॉरी एक्चुअली भक्ति मूवमेंट में संस्कृत का यूज करने के बजाय कॉमन पीपल का जो लैंग्वेज था उसे यूज़ किया गया था इस कारण से जो आसपास के रीजनल लैंग्वेजेस uh, थे उनके डेवलपमेंट में हेल्प मिला नाउ भक्ति मूवमेंट इट इज़ बिलीव दैट द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया द नयनार एंड अलावर भक्ति मूवमेंट इमर्ड इन दिस रीजन्स द नयनार्स व डिवोटीज ऑफ शिवा द अलावर्स व डिवोटीज ऑफ़ विष्णु देर वर ऑल्सो अटेम्प टू कंसिडर शिवा एंड विष्णु एज वन एंड द सेम एंड ब्रिंग दैम टूगैदर एक्चुअली भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ था ये साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था तमिलनाडु कर्नाटका तरफ इसमें क्या हुआ था कि नवनार और अलावर भक्ति मूवमेंट्स इमर्ज हुए थे नैनार भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ था कि जितने भी उसमें फॉलोअर्स थे डिवोटीज़ थे वो शिवा के डिवोटीज़ थे और अलावर में क्या हुआ था कि जितने भी डिवोटीज़ थे वो विष्णु के थे और इन सब का ये अटेम्प्ट था कि हर कोई शिवा और विष्णु को एक ही माने और इन दोनों अलग-अलग को साथ में लेकर आना हरी हर आइडल विच डेपेक्ट हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा व प्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड ऑन अ लार्ज स्केल पीपल बिलोंगिंग टू ऑल सोशल सोशलिपेटेड इन दिस भक्ति मूवमेंट तो इस भक्ति मूवमेंट में एक एक आइडल बनाया गया था जिसका नाम हरिहर था जिसमें हाफ विष्णु भगवान थे एंड हाफ शिवा भगवान थे और ये जो आइडल्स प्रोड्यूस किया गए थे ये लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किए गए थे और हर स्त्राता को बिलोंग करने वाले हर कास्ट को बिलोंग करने वाले लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस भक्ति मूवमेंट पे दे प्रीच्ड वैल्यू लाइक लव ऑफ गॉड ह्यूमैनिटी कम्पैशन मर्सी एक्सेट्रा वहाँ पे जो वैल्यूज सिखाई गई थी वो थी कम्पैशन मर्सी लव फॉर गॉड ये सारी चीज़ें वहाँ सिखाई गई थी मतलब हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए भगवान से प्यार करना चाहिए एक दूसरे के लिए दया आनी चाहिए मर्सी आनी चाहिए रामानुजा एंड अदर आचार्य स्ट्रेंद द बेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया दे टोल्ड पीपल दैट गॉड इज फॉर ऑल गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट द टीचिंग्स ऑफ रामानुजा हैड ग्रेट इम्पैक्ट इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो उस समय जो भी मॉन्ग्स थे जैसे रामानुजा हो गए और दूसरे आचार्या थे इन लोगों ने भक्ति मूवमेंट को स्ट्रेंदन किया साउथ इंडिया में ये लोग लोगों से ये कहा करते थे कि, कि भगवान सबके लिए हैं और भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं और ये जो रामानुजा की टीचिंग थी ये नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसने छोड़ा संत रामानंद स्ट्रेंद द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया संत कबीर इज अ वेल नोन संत इन भक्ति मूवमेंट ही डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू प्लेसेस ऑफ पिलग्रमेज व्रतास और आइडल वर्शिप जो संत रामानंद थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया नॉर्थ इंडिया में और जो संत कबीर थे उन्होंने वो भी भक्ति मूवमेंट के वेल नोन संत थे और वो वो किसी भी पिलग्रमज को मतलब जैसे मॉस्क हो गया टेम्पल हो गया पूजा करने वाली जगह इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे व्रत को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे और मूर्ति पूजा को इम्पॉर्टेंस नहीं देते थे मतलब वो ये चीज़ें फॉलो नहीं करते थे फॉर हिम ट्रुथ वॉज गॉड ही टॉट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिफ्रेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट क्रीज क्रीट सेक्ट एंड रिलीजन ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी ही क्रिटिसाइज द एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन एंड स्ट्रॉन्ग टर्म्स उनके लिए भगवान थे सच्चाई ट्रुथ वो ये कहते थे कि हर आदमी इक्वल होता है वो किसी तरह के भी डिफरेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीज आ, सेक्ट या आ, रिलीजन नहीं मानते थे वो हिंदू और मुस्लिम सबको साथ लाना चाहते थे और जो छोटे सोच के लोग थे ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत ही पुरानी और छोटी सोच के लोग थे हिंदूज में एंड मुस्लिम्स में उन सब को वो क्रिटिसाइज़ करते थे उनकी सोच को गलत बताते थे इन बंगाल ने महाप्रभु अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा भक्ति Due to his teachings, people joined the bhakti movement in transcending the boundaries of caste and creed. Under his influence, Shankara Deva spread the bhakti movement in Assam. Bengal में ऐसा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जो संत थे, उन्होंने लोगों को कृष्ण भक्ति की इम्पोर्टेंस समझाई। उनकी टीचिंग के कारण ही बंगाल की लोगों ने भक्ति मूवमेंट ज्वाइन किया और वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं थी किसी कास्ट की किसी क्रीड की और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में शंकरा देवा ने भक्ति मूवमेंट आसाम में स्प्रेड किया नरसी मेहता वॉज अ रिनाउंड वैष्णवा संत इन गुजरात ही वॉज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी ही इज नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज जो नरसी मेहता थे वो भी एक संत थे वैष्णवा संत थे गुजरात के और वो कृष्णा के डिवोटी थे उन्होंने सबको मैसेज दिया कि हर कोई इक्वल होता है और उन्हें फर्स्ट पोएट के नाम से जाना जाता है ऑफ द गुजराती लैंग्वेज संत मीराबाई स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन टू कृष्णा शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ शी रिनाउंस्ड ऑल प्लेजर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड इमर्ज हर्सेल्फ इन डिवोशन टू कृष्णा शी कम्पोज डिवोशनल वर्सेज इन राजस्थानी एंड गुजराती संत मीराबाई जो थी उन्होंने सबको डिवोशन टू कृष्णा समझाया उन्होंने समझाया कि कृष्णा का डिवोशन कैसा होता है किस किस तरह से भगवान की भक्ति में खो जाते हैं सारी चीज़ें उन्होंने समझाई जो संत मीरा भाई थी वो एक रॉयल फ़ैमिली ऑफ मेवाड़ से बिलोंग करती थी लेकिन उन्होंने हर तरह के प्लेजर छोड़ दिए ऑफ़ रॉयल फैमिली और अपना पूरा पूरा डिवोशन गॉड कृष्णा को दे दिया और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पोएम्स भी लिखे हैं इन राजस्थानी एंड गुजराती हर डिोशन वर्सेज गिव द मैसेज ऑफ़ डिवोशन टॉलरेंस एंड ह्यूमनिटी उनका जो डिवोशन था उसने लोगों को मैसेज दिया डिवोशन का टॉलरेंस का और ह्यूमानिटी का मतलब सहन शक्ति का किस तरीके से भगवान की तरफ हम डिवोट हो जाते हैं और ह्यूमेनिटी इंसानियत क्या होती है संत सेना वॉज एंड इन्फ्लुएंशियल संत संत रोहिदास वॉज अ ग्रेट संत ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी जो संत सेना थे वो भी एक इन्फ्लुएंशियल संत थे जो लोग जिन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि सबको भगवान के आ, को मानना चाहिए डेटी को मानना चाहिए और उनके तरफ डिवोटेड होना चाहिए संत रोहिदास जो थे वो भी ग्रेट संत थे उन्होंने सबको मैसेज दिया ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी कि किसी के साथ भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए सबको सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए और ह्यूमन की तरह हमें बिहेव करना चाहिए ह्यूमन की तरह मतलब इनह्यूमन एक्ट्स हमें नहीं करने चाहिए सूरदास अ ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर कंपोज द पोएटिक वर्क सूर सागर डिवोशन टू कृष्णा कृष्ण भक्ति इज़ द सब्जेक्ट ऑफ हिज़ वर्क नेक्स्ट जो हमारे पोएट थे वो थे सूरदास वो भी भक्ति मूवमेंट के पार्ट थे वो ग्रेट पोएट थे हिंदी लिटरेचर के और उन्होंने अपनी पोएट लिखी है सूरसागर में उनका उनका भी डिवोशन कृष्णा को था कृष्ण भक्ति को था और कृष्ण भक्ति इनका सब्जेक्ट ऑफ वर्क था वो जो भी पोएम्स लिखते थे वो कृष्ण भक्ति पे ही लिखते थे द वर्सेस ऑन कृष्ण भक्ति कंपोज बाय द मुस्लिम संत खान आर मेलोडियस रामचरित्र मानस ऑफ संत तुलसीदास इज ब्यूटिफुल कंपोजिशन एक्सप्रेसिंग डिवोशन टू रामा और और बहुत सारे ऐसे पोएम्स हैं स्टोरीज हैं जो लिखी है कृष्ण भक्ति ने मुस्लिम संत रास खान ने और रामचरित्र मानस लिखी है संत तुलसीदास ने जो भी ब्यूटीफुल कंपोजिशन है जहाँ पे जहाँ पे उन्होंने अपना डिवोशन एक्सप्रेस किया है गॉड रामा को इन कर्नाटका बसावेश्वर स्प्रेड द लिंगयत स्ट्रीम ऑफ थाट ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेस्ड डिग्निटी ऑफ लेवर काया केव कैलाश इज इज वेल नोन सेंग विच मीन्स वर्क इज़ कैलाश वर्क इज़ वर्शिप ही इनक्रेज इन्क्रेज वुमन्स पार्टिसिपेशन इन हिज मूवमेंट नेक्स्ट जो कर्नाटका के पोएट थे बासावेश्वर उन्होंने स्प्रेड किया लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट और इस थॉट में वो किसी तरह के भी कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे और वो चाहते थे कि लेबर्स को भी रिस्पेक्ट मिले काया केव कैलाश उनकी वेल नोन सेइंग है जिसका मतलब होता है वर्क इज़ कैलाश इट मींस दैट वर्क वर्शिप हमारा काम ही हमारी पूजा है और उन्होंने उन जो भक्ति मूवमेंट किया था उस पर वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को भी उन्होंने इनक्रेज किया मैन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट बिगेन टू पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस डिस्कशंस कंडक्टेड इन द हॉल अनुभव मंतपा श्री बासावेश्वर कन्वेड हिस्स टीचिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल कन्नड़ थ्रू द मीडियम ऑफ वचना लिटरेचर हिस वर्क हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी हर कास्ट के मैन और वो उनके जो भी डिस्कशंस रिलीजियस डिस्कशंस कंडक्ट होते थे उस पर पार्टिसिपेट करते थे और ये होते थे हॉल में जिसका नाम था अनुभवा मंतपा अब जो श्री बासावेश्वर थे उन्होंने वो अपनी जो टीचिंग्स लोगों को बताते थे वो लोगों के लैंग्वेज में ही बताते थे कन्नड़ लैंग्वेज में और इसका मीडियम था वचना मतलब लोगों के बीच में वो वचन देते थे मतलब हम कह सकते हैं काइंड kind ऑफ of, आज जैसे हम देखते हैं भागवत होती है है ना तो वहाँ आके लोगों के बीच में कहते हैं उन्हें अपनी टीचिंग्स बताते हैं बस इस ही तरीके से वो वो वचना लिटरेचर के थ्रू कन्नड़ लैंग्वेज में लोगों तक अपनी बातें पहुँचाते थे और उनकी जो बातें थी उनके जो डिस्कशंस थे उसका बहुत ग्रेट इम्पैक्ट था उस समय सोसाइटी में

एक कंपोजिशन है एक कंपोजिशन है परम रहस्य जिसे मानमत स्वामी ने कंपोज किया है और ग्रेट संत ने कर्नाटका के और भी ग्रेट संत थे जैसे पम पुरान दर्स दशा और भी कुछ थे और uh, इन सारों ने कन्नड़ ये जितने भी संस की मैंने बात की इन सब ने कन्नड़ में ही अपनी जो टीचिंग्स है अपने वर्सेस है पोएम्स है सारी चीज़ें लिखी है नाउ नेक्स्ट महानुभव पंथ इन द थर्टीन सेंचुरी चक्राधर स्वामी फाउंडेड द महानुभव पंथ इन महाराष्ट्र दिस प्रीचेस डिवोशन टू कृष्णा श्री गोविंद प्रभु वॉज द गुरु ऑफ चक्राधर स्वामी द फॉलोअर ऑफ चक्राधर इंक्लूड मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट एंड क्रीड ही सपोर्टेड इक्वालिटी नेक्स्ट हमें नेक्स्ट uh, संत के बारे में बताया गया है महानुभव पंथ ये थर्टीन सेंचुरी में थे uh, चक्राधर स्वामी ने uh, महानुभव पंथ का को फाउंड किया था इंट्रोड्यूस किया था कह सकते हैं ये काइंड ऑफ एक ग्रुप था महाराष्ट्र का ये जो सेक्शन था ये कृष्णा गॉड uh, को मानता था श्री गोविंद प्रभु जो थे वो गुरु थे ऑफ चक्राधर स्वामी चक्राधर स्वामी जिन्होंने महानुभव uh, महान महा अनुभव पंथ फाउंड आउट किया था फाइंड आउट किया था उसके उनके स्वामी थे श्री गोविंद प्रभु और जो फॉलोअर्स थे ऑफ चक्राधर ये मेन और वुमेन थे जो हर कास्ट से और हर क्रीड से बिलोंग करते थे और इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे ही ट्रैवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र प्रीचिंग इन मराठी ही प्रिफर्ड मराठी इंस्टेड ऑफ़ संस्कृत और ये हर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में घूमते थे और मराठी में अपनी जो भी जो भी बातें या टीचिंग्स है टीचिंग लोगों तक पहुंचाते थे और ये मराठी प्रेफर करते थे संस्कृत के बजाय

विदारभा इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पीपल्स ऑफ दिस सेक्ट दिस सेक्ट हैज़ रीच्ड अप टू फार वे रीजन्स लाइक द पंजाब एंड अफगानिस्तान ये जो सेक्शन था जिस हम पंथ की बात कर रहे हैं ये विदारभा और मराठवाड़ा एरियाज ऑफ महाराष्ट्र में फैला हुआ था रिद्देपुर जो कि विद्भा में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो वहाँ पर ये लोग रहा करते थे ये सेक्ट इतना फैल गया था कि पंजाब और अफगानिस्तान तक भी पहुंच चुका था डू यू नो सम ऑफ द मेन कंपोजिशंस ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ महानुभव पंत आर द ट्रीटीज लीला चरित्रा कंपाइल्ड बाय महम भट्ट डिस्क्राइबिंग द डीड्स ऑफ चक्राधर स्वामी धावले ऑफ द फर्स्ट मराठी पोएटिस महादम्बा सूत्रापथ एंड दृष्टांत दृष्टान्तपत कंपाइल्ड बाय किशोबास एंड वच्चा हरण ऑफ दामोदर पंडित शिशुपाल वदा ऑफ भास्कर भात एंड बोरिकर भास्कर भात बोरिकर एंड रुक्मिणी स्वयंवरा ऑफ नरेंद्र नाव नेक्स्ट डू यू नो अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ हिंदू एंड अ मुस्लिम रिटन बाय संतनाथ इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिलीजियस हार्मनी द फेमस कोर्ट ऑफ संत शेख मोहम्मद वॉज शेख मोहम्मद अब दी त्याचे हृदय गोविंद इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस हार्मनी तो जो अलग अलग कन्वर्सेशन्स हमने देखे हैं जो मुस्लिम और हिंदू राइटर्स के बीच में हुए हैं जो लिखा है संत एक नाथ ने वो बहुत इम्पोर्टेंट है रिलीजियस हार हारमनी के बेसिस से और एक फेमस कोर्ट है जो संत शेख मोहम्मद का ही वॉज अ मुस्लिम एंड ही रोट अबाउट हिंदू गॉड जो है त्याचे हृदय गोविंद तो ये भी उस समय की रिलीजियस हारमोनी हमें दिखाता है नेक्स्ट गुरु नानक गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म फर्स्ट गुरु ऑफ सिख हिस वर्क हैज बी सिंथेसिस गुरु नानक हम सबको ही जानते हैं सबसे पहले गुरु थे सिख के वो फाउंडर थे सिखजम के और उनका जो वर्क है इसे हम ग्रेट अटेम्प्ट मान सकते हैं रिलीजियस सिंथेसिस का जिसमें अलग अलग रिलीजन्स को मिलाने की कोशिश की गई थी ही विजिटेड द हॉली प्लेसेस ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स ही हैड ऑल्सो विजिटेड मक्का मक्का मदीना आपने सुना होगा ही रियलाइज दैट द फीलिंग ऑफ डिमोशन डिवोशन इज़ कॉमन एवरीवेयर he ही टॉट दैट ऑल परसन शुड भी ट्रीटेड इक्वली इीचिंगस एम्ड एट अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी कास्ट जस्ट behavior. Mm -hmm. तो जो गुरु नानक थे वो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस भी गए मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस भी गए और उन्होंने रियलाइज़ किया कि लोगों का जो डिवोशन है अपने गॉड के लिए वो हर जगह सेम है इसीलिए उन्होंने सिखाया कि हर आदमी मैन हो वुमेन हो हर आदमी सेम होता है और उनकी टीचिंग्स का ये एम रहता था कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए Many पीपल were influenced बाय द टीचिंग ऑफ गुरु नानक द नंबर ऑफ his फॉलोअर्स increased डे by डे द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक आर नोन एज सिख shishyas, मीनिंग discipline. द आदि ग्रंथ ऑल्सो नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब इज़ द हॉली बुक ऑफ द सिख द आदि ग्रंथ इंक्लूड्स कंपोजिशन बाय गुरु नानक संत नामदेव संत कबीर एंड अदर संत गुरु नानक वॉज सक्सीडेड बाय नाइन गुरुज ऑफ द सिख तो गुरु नानक uh, से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए थे और उनके फॉलोअर्स हो गए थे डे बाय डे उनके फॉलोअर्स इंक्रीज होते जा रहे थे और उनके फॉलोअर्स को कहा जाता था सिख जिसका मतलब होता है शिष्यास मीनिंग डिसप्लेंस और जो आदि ग्रंथ था थी जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है वो हॉली बुक हो गई ऑफ सिख और जो आदि ग्रंथ था थी उसमें कंपोजिशंस है ऑफ़ गुरु नानक ऑफ संत नामदेव ऑफ संत कबीर और दूसरे संत का और संत और गुरु नानक के बाद उनकी उनका जो वर्क था उनकी जो पोजिशन थी उसे सक्सीड किया नाइन गुरुज़ ऑफ सिख्स ने गुरु गोबिंद सिंह आपने गुरु गोबिंद सिंह के बारे में पढ़ा है इसके पहले ही चैप्टर में पढ़ा है तो यहाँ पे अगेन गुरु गोबिंद सिंह के बारे में दिया है गुरु गोबिंद सिंह वॉज टेंथ गुरु ऑफ द सिक्स आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह सिक्स रिगार्ड द गुरु ग्रंथ साहिब एज देयर गुरु एज पर द ऑर्डर्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह नाइन गुरु हमने कहा किसके बाद नाइन्थ गुरुज थे गुरु नानक के बाद तो जो लास्ट गुरु थे टेंथ गुरु वो थे गुरु गोबिंद सिंह और गुरु गोबिंद सिंह के बाद कोई भी ऐसे स्पेशल गुरु नहीं रहे सिक्स के उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को भी को ही अपना गुरु मान लिया और उनके ऑर्डर्स फॉलो करने लगे और ये मानने को कहा था गुरु गोबिंद सिंह ने अब नाउ लास्ट द सूफी सेक्ट दिस इज अ सेक्ट इन इस्लाम द सूफी सेंट्स बिलीव दैट गॉड इज़ फुल ऑफ लव एंड द ओनली वे टू रीच हिम इज़ थ्रू लव एंड डिवोशन जो सूफी सेक्ट है उनका मानना था कि जो फर्स्टली वो इस्लाम के फॉलोअर्स थे और ये सन्स बिलीव करते थे कि कि भगवान प्यार से बड़े uh, प्यार से भरे हुए हैं और उन तक पहुंचने का तरीका है लव उनके लिए और उनके तरफ अपना डिवोशन देयर मेन टीचिंग्स आर लव फॉर फॉर ऑल सिंपल लिविंग बींग्स मेडिटेशन एंड सिंपल लिविंग और उनका ये मानना है उनकी टीचिंग्स ये है कि हर आदमी से प्यार करो मेडिटेशन करो और एक सादा सा जीवन जियो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शेख निजामुद्दीन एवलिया वर ग्रेट सूफ़ी सन्स द टीचिंग ऑफ सूफ़ी सन्स लेड टू यूनिटी इन दिन्दू एंड मुस्लिम कम्यूनिटी सूफ़ी म्यूज़िकज़ मेड वेल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूज़िक तो दो आपको सन्स का नाम दिया है जो सूफ़ी सन थे एक थे ख्वाजा मोनुलद्दीन चिस्ती और एक थे शेख निजामुद्दीन एवालिया इनके आपने सुने होंगे इनके बहुत सारे दरगाह भी हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे इनकी बॉडी है वो आपको मिल जाएंगे दरगाह और इनकी जो टीचिंग है सूफी सेंट्स की इनके कारण ही हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में यूनिटी आई और हमने सूफी म्यूज़िक भी सुना होगा बहुत अच्छा म्यूज़िक होता है इंडियन म्यूज़िक में बहुत वैल्यू है उस म्यूज़िक की द पाथ ऑफ भक्ति टॉट बाय सन्स वाज ईजी टू फॉलो फॉर द कॉमन पीपल द भक्ति मूवमेंट वॉज ओपन टू ऑल मैन एंड वुमेन द सन्स एक्सप्रेस एक्सप्रेस देयर था इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल द कॉमन पीपल फाउंड दैम क्लोज टू देयर हार्ट द भक्ति मूवमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कल्चर तो ये जो पाथ है भक्ति का जो सिखाया है सन्स ने ये ईजी था एक आम आदमी के लिए फॉलो करने के लिए जो भक्ति मूवमेंट था वो हर मैन के लिए हर वुमेन के लिए ओपन था और जो सन्स थे वो खुद को एक्सप्रेस मतलब उनकी जो टीचिंग्स रहती थी एक्सप्रेशन थॉट्स रहते थे वो लोगों के लैंग्वेज में रहते थे इसलिए लोगों को ईजली समझ आते थे और जो कॉमन पीपल थे उन्होंने माना कि ये सारी टीचिंग्स ये सारी बातें क्लोज टू देयर हार्ट है और जो भक्ति मूवमेंट है उसका ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन कल्चर के फॉर्मेशन में तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है बहुत अच्छा चैप्टर है आपको ये बताया गया है कि किस तरह किस तरह से अलग अलग सन्स ने कोशिश की कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड दूसरे रिलीजन्स में यूनिटी आए किस तरह से रिलीजियस अच्छा। सिंथेसिस आए वो लोग एक हो जाए क्योंकि सबका यही कहना था दैट गॉड इज़ फॉर ऑल एंड वी कैन गेट गॉड इफ़ वी हैव लव फॉर हिम एंड इफ़ वी हैव डिवोशन फॉर हिम साथ ही साथ जैसे कि गुरु नानक ने कहा कि सब रिलीजन्स में कॉमन ये है कि सब अपने गॉड के तरफ डिवोटेड है और लगभग हर संत का यही कहना था तो यदि आपको इस चैप्टर पे कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन सेक्शन पे थैंक यू फॉर वाचिंग